आना है प्रभु, मुझे अभिषेक कर पिता, अभिषेक कर अब्बा, अभिषेक कर अब्बा। पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला है। आज उसी उज्याले और दीपक से हमारे के जीवन को ऐसा भर देना कि हमारा जीवन उज्याला में रहने पाए, किसी भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में कार्य ना करे। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं आप पिता परमेश्वर, उसी घड़ी प्रभु उसी जगह हर एक के जीवन में खारे करना, यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में खारे करना। आज जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, हर एक प्रार्थना को तो सुन लेना मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये सुंदर समय को दिया है मेरे प्रियो, इसलिए लगातार प्रभु का धन्यवाद करते चले जाइए। वो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देता है। सो जितने लोग लाइव हमें देख रहे हैं, परमेश्वर सच में आप सबों को बहुत आयत की आशीष को देगा, क्योंकि हम अपने समय को प्रभु को दे रहे हैं। आप मुझे समय नहीं देख रहे, इस लाइव वीडियो को समय नहीं दे रहे हैं, परंतु आप याद रखें प्रभु को समय दे रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रभु को समय देता है, परमेश्वर भी उसको समय देता है। हालेलुया, परमेश्वर भी उसको समय देगा। कई बार होता है कि हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं, और जब हम प्रभु को समय नहीं देंगे तो कैसे प्रभु हमें समय देगा। जब हम प्रभु की महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में कैसे आएगी। जब हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रभु का समय, प्रभु को समय देना, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद है जो संसार कभी भी हमें नहीं दे सकता है। हालेलुया, आप महसूस करिए 24 घंटा दिन में परमेश्वर हमारा आपको देता है, हम कितने घंटे प्रभु को देते हैं। 24 घंटा परमेश्वर हम और आपको दिया है, 24 घंटा में आप कम से कम एक घंटा भी प्रभु के लिए बिता रहे हैं। आप उस एक घंटा का कार्य को नोटिस करिए, उस आनंद को नोटिस करिए, और जो 23 घंटा आपका बच्चा है, उस जो संसार को आप दे रहे हैं, आप उसको नोटिस करिए, किसमें आपको शांति मिलेगा। आप उसको देखिए, आपके अंदर में गवाही होगा कि मैंने एक ही घंटा मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझको शांति दिया, सामर्थ्य दिया, क्योंकि प्रभु से प्रार्थना करने वालों को उस परमेश्वर शांति देता है, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। सो जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आप जरूर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी भाई बहन के लिए जो अगर हमें लाइव नहीं देख रहे, उसके लिए भी आप चाहते हैं, आप जरूर आप उनका नाम लिखकर हमें प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। मैं जरूर आप सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और अंत में वचन के बाद में मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूँ, आप जरूर प्लीज प्रे फॉर मी, आप लिख सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा आपके जीवन के लिए, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे के जीवन में आए। सो परमेश्वर महान है। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे, स्मरण करेंगे। लुका रचित सुसमाचार में आज मैं पढ़ रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति आती है वहाँ पर कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य होता है, वहाँ कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य ऑटोमेटिक होगा जहाँ पर प्रभु, क्योंकि वचन कहता है जहाँ दो या तीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं। बाइबल बताती है कि जहाँ दो या तीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मत्ती उसका 18 अध्याय का 20 पद में जब पढ़िएगा तो लिखा, जहाँ परमेश्वर की महिमा के लिए दो तीन व्यक्ति इकट्ठे होते हैं वहाँ पर स्वयं प्रभु की उपस्थिति होती है। हालेलुया। अब बात रही हम लोग दो या तीन नहीं, हम अकेले हैं, कैसे प्रभु की उपस्थिति आएगी। चिंता मत करिए, अकेले में ज्यादा सामर्थ्य हमारा सामर्थ्य बनते हैं। हालेलुया, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा है कि अकेले में एकांत में जा, अपने कोठरी अपने दरवाजे खिड़की को बंद कर और प्रार्थना कर। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करिए एकांत में, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह का भी जीवन को जब आप देखिएगा, वचन को पढ़िएगा, बाइबल बताती है यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाना पसंद करता था। अकेले में जाकर वो अपने चेलों से दूर हटके वो प्रार्थना करता था, अपने पिता को याद करता था। एकांत में भी हमारा आपको बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। एकांत में बहुत मुश्किल होता है कई बार प्रार्थना करना, हमारा ध्यान भटकेगा, परंतु मेरे प्रिय, जब आप एकांत में प्रार्थना करने में आप मजबूत हो जाएंगे, दुनिया का कोई भी ताकत हम और आपको
परमेश्वर के राज्य में जाने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, क्योंकि एकांत में परमेश्वर हमारा आपसे बातचीत करना चाहता है और वो करता है एकांत में। जितना आप हो सके आप एकांत में होकर, अकेले होकर आप अपने कोठरी अपने रूम में जाएं, प्रार्थना करिए एकांत में होकर। जितना ज़्यादा प्रार्थना करिएगा उतना सामर्थी आप बनते जाए। ग्रुप में तो हम सारे लोग मिलके करते ही हैं, लेकिन एकांत में हमारा आपको ज़्यादातर प्रार्थना करना है। एकांत में अकेले होकर अपने जीवन के लिए आप जरूर प्रार्थना करिए प्रभु से। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास में ऐसे बीमारी समय में गया है, और जब मैं इस वचन को मैं जब पढ़ रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगा कि एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति यहाँ पर क्या लिखता है। लुका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 पद से जब पढ़िएगा, यहाँ लिखता है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण से भीतर ना जा सके। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो लकवा से मारा हुआ है, लकवा के कारण से उसका पड़ोसी उसके लोग जो है, लकवा के कारण से जो उसका वो व्यक्ति जो है वो अपने खटिया पर लेटा, वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। अब उसके लोग जो है, उसके साथ में उसके परिवार के लोग और जो कुछ भी है, जो लोग हैं वे उसको उठाकर ले जाना चाह रहे हैं। अब उपाय ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह उपदेश दे रहा है और लोग ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कि किधर से जाएं। पूरा दरवाजा लोग भरे हुए हैं, हम दरवाजा से नहीं ले जा सकते हैं, हम दरवाजा से कैसे हम इस व्यक्ति को लेके जाएंगे। इन व्यक्तियों का विश्वास था कि ये व्यक्ति यीशु मसीह से एक बार मुलाकात कर लेगा तो चंगा चंगाई प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय, हम और आपको बस यही विश्वास रखना है कि एक बार परमेश्वर अपने सामर्थ को मेरे जीवन में दे देगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। हमें विश्वास में रहना है। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम विश्वास कई बार नहीं करते हैं। लिखा, प्रार्थना में विश्वास करो, आप जो कुछ मांगते विश्वास से मांगिए कि मैंने प्रभु को बोला है, प्रभु मुझको क्या करेगा, देगा। ये खाट में लेटा हुआ ये लकवा व्यक्ति, उसके साथ में जो लोग हैं, ये व्यक्ति विश्वास करते हैं कि मेरा ये व्यक्ति जो है, मेरा परिजन जो है, ये मेरे परिवार का जो व्यक्ति है, एक बार यीशु मसीह से मुलाकात कर लेगा, वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये लोग उपाय ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे इस व्यक्ति को अंदर यीशु मसीह के पास में ले जाए। ये लोग देख रहे हैं बहुत भीड़ है और इतनी भीड़ में इस व्यक्ति को लेकर जाना असंभव है, हम दरवाजा से नहीं घुसा सकते हैं। तो मालूम है क्या ये लोग हार मान गए। कई बार होता है कि हम देखे, अरे बहुत भीड़ है आज, हम कई बार हम हार मान जाते हैं भीड़ के कारण से। हम कई बार अपने जीवन में भी हार मानते हैं कि अरे बहुत ये बहुत भीड़ है, बहुत सारा लोग है, कैसे हम अंदर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। हम साइड हो जाते हैं, अपने जीवन को भी इसी प्रकार से हम पीछे करते हैं। मेरे प्रियो, हम आज प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु में हम और आप जब है, हमारा आपको मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर को बोल दिए वो हमको देता जाएगा सब चीज। हाँ, यीशु मसीह सब कुछ देगा जीवन में, लेकिन हमें भी मेहनत करना है। ये व्यक्ति लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, मालूम ये लोग वापस नहीं लौटे। ये लौट सकते थे, अरे बहुत भीड़ है, कैसे यीशु वहां पर घुसाने ले जाएंगे उसको, दरवाजा पूरा पैक है, कैसे हम लेके जाएंगे इस व्यक्ति को, नहीं हो पाएगा। वे लौट सकते थे, लेकिन नहीं, इनको विश्वास है कि कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा। कई बार हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना नहीं सुना, 2 दिन प्रार्थना किए, प्रभु प्रार्थना नहीं सुना, हम हार मान जाते हैं और हम बोलते हैं नहीं, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है, लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए, ये व्यक्तियों को देखिए, भीड़ था, नहीं ले जा सक रहे थे, तो भी ये लोग हार नहीं माने। लिखता है कि जब अंदर नहीं ले जा सके तो इसने लिखा है कि 18 पद में लिखा, और यीशु के सामने रखने को उपाय ढूंढ रहे थे, 19 पद में बोलता है, पर जब भीड़ के कारण से भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया, यीशु मसीह के सामने में ये लोग उतार दिए हैं। देखिए, छत में चढ़ गए हैं,
सोच सकते हैं कैसे खाट सहित ये व्यक्ति को लोग लेके गए होंगे, कैसे इस व्यक्ति को चढ़ाए होंगे, खाट सहित ये लोग यीशु मसीह के बीचों बीच में लोग उसको उतारे, कैसे चढ़े होंगे, खाट सहित इसको उठाए होंगे। सोच सकते हैं कितना ये लोग मेहनत किए उस समय में, मेहनत करके उस व्यक्ति को आखिरकार यीशु मसीह के सामने में लेकर गए। हालेलुया। हम और आपको कई बार दूसरों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आप दिखते हैं जो बहुत जरूरतमंद है, बहुत इनको प्रार्थना की आवश्यकता, मेरे प्रिय उसके लिए आप मेहनत करिए, उसके लिए आप लगातार प्रार्थना करिए, हो सके आप उसको प्रभु की महिमा में लेकर चलिए, प्रभु की संगति में लेकर चलिए। ये व्यक्ति लोग भी देखिए, इनका विश्वास को देखिए, यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए ये लोग छत पर चढ़ गए हैं, छत से खपड़ेल हटाकर, खपड़ा सबको हटाकर ये लोग ठीक बीचों बीच यीशु मसीह के सामने में गिरा है। सोच सकते हैं मेहनत मेरे प्रियो हमारा आपको करना है, अगर हमारा आपको आत्मा बचाना है, लोगों को प्रभु के पास में लाना, आप चाहते हैं कि आपके परिवार प्रभु के पास में आए, आपके परिजन प्रभु के पास में आए, तो हमारा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा इस व्यक्ति के नाई, ताकि हमारा परिवार, हमारे परिजन, हमारे करीबी लोग यीशु मसीह से मुलाकात कर पाए। और जब भी ये लोग यीशु मसीह के सामने में इस कपड़े हटाकर इस व्यक्ति को उठाए, तो लिखा है 20 पद में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। उनका विश्वास को देखकर, विश्वास को देखकर, क्या विश्वास था इनका? यही विश्वास था कि एक बार हम किसी भी रीति से यीशु मसीह से मिल जाएंगे, मेरा बीमारी दूर हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर में यही विश्वास होना चाहिए, हम मेहनत करें जाने के लिए। हम एक दिन प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा, हम दूसरे दिन फिर प्रार्थना करेंगे, नहीं सुन रहा, तीसरे दिन फिर प्रार्थना करिए। हार मत मानिए जीवन में, मसीह जीवन में हार मानने का जीवन नहीं है। आप प्रार्थना करते चले जाइए, कब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा, एक दिन तो वो अपनी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाएगा। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर अपने कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन, वो बोलता है। हमें मेहनत करना है, और जब तक प्रभु ना प्रार्थना को सुने, प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक दिन वो समय आएगा कि प्रभु हम और आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। इस व्यक्ति को कहा, तेरे विश्वास के कारण से तेरा पाप जो बहुत वो क्षमा हो गया। और लिखता है कि 24 पद में यीशु मसीह उसको बोलता, परंतु इसलिए जान लो, मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, 24 पद में लिखता, मैं तुमसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। इस लकवे के व्यक्ति जो यीशु मसीह के सामने में इसे लेटा दिया गया था, यीशु मसीह के सामने में इसे रखा गया था, इसे कहा, उठो, अपना खाट उठाओ और यहां से चला जा। क्या हुआ मालूम है? 25 पद पढ़िएगा, लिखा है, वो तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। ये लकवा पेशेंट व्यक्ति देखिए कैसे सबों के सामने में चंगाई को प्राप्त किया यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण से। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह से नहीं मिलता तो हो सके वो चंगाई नहीं प्राप्त कर पाता, हो सके वो अब भी खाट में लेटा हुआ होता। परंतु देखिए यीशु मसीह से मिलने के कारण से इसका बीमारी, देखिए जो लकवा का पेशेंट था वो चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति को बस चाहिए। आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, आपको बस दरकार है कि हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। आप उस व्यक्ति को यीशु मसीह से मिला दीजिए और देखिए, उस व्यक्ति से एक बार यीशु मसीह से उनको मिला दीजिए और देखिए, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा मेरे प्रियो। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार के लोग प्रभु पर विश्वास करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी परमेश्वर पर विश्वास करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके एरिया के लोग, आपके गांव, टोली, मोहल्ले के लोग प्रभु पर विश्वास करें? आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको उनको परमेश्वर तक ले जाने के लिए, हो सके परमेश्वर का वचन को ले जाकर आपको उससे बातचीत करना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन को बताना पड़ेगा। बताइए, लोगों को बताइए परमेश्वर का वचन। जब आप बताइएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। ये व्यक्ति लोग जो लकवा पेशेंट व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे थे, ये व्यक्ति जो थे जो उनकी सहायता किए, ये लोग मदद किए,
उन्होंने मेहनत किया और मेहनत के साथ प्रभु के पास में उठा कर लेके वो वापस नहीं लौटे। हमें शांत नहीं रहना है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं आप चलते जाइए चलते जाइए। आपको जितना संभव जो भी कर सकते हैं आप प्रभु की महिमा के लिए आप करिए, कभी मत रुकिए। आप जब प्रभु के लिए जितना आप करेंगे उतना आशीष प्रभु भी आपको देगा, परमेश्वर भी आपके लिए कार्य करेगा। लिखा जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती को परमेश्वर सींचता है। हालेलुया, आप जितना दूसरों का मदद करिएगा, जितना दूसरों को हेल्प करिएगा, जितना दूसरों के लिए प्रार्थना करिएगा उतना परमेश्वर हम और आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उतना परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया, कई बार हम सोचते हैं हम उस मेरे परिवार में तो इतना बीमारी, मेरे परिवार में इतना गड़बड़ी, हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? लोग क्या सोचेंगे, अरे खुद का परिवार ठीक नहीं है दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या सोचेंगे? बहुत बार समस्या आती है मेरे प्रियो, लेकिन चिंता मत करिए, आप प्रार्थना करिए दूसरों के लिए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, आप लोगों की बातों को इग्नोर करिए और आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाइए। आप दूसरों के लिए प्रार्थना, चाहे आपका परिवार की स्थिति क्यों ना बिगड़ी हो तो भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अपने बीमारी के लिए, अपनी समस्या के लिए जरूर करें, परंतु आप दूसरों के लिए भी करिए, ताकि आप जब दूसरों के लिए करिएगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आप अपनी बीमारी को छोड़ दूसरों की बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये लकवा पेशेंट व्यक्ति जिनकी सहायता कुछ मनुष्यों ने किया, जिसके कारण से ये व्यक्ति ठीक हो गया, उस चंगाई को प्राप्त किया, हमारा आपको भी परमेश्वर चंगाई देगा। और एक वचन को देखेंगे और हम समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 पद से एक विधवा स्त्री है, जो एक विधवा भी विधवा है, इसका पति मर चुका है और ऐसा दुख का समय इस परिवार में आ गया है कि इसका बेटा, जवान बेटा भी वो मर गया। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, सातवा लुका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11 पद से लिखता है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। 12 पद में बोलता है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। लिखा है, देखिए ऐसा परिवार, एक ऐसी स्त्री, ऑलरेडी वो अपने पति के कारण से शोक में कि उसका पति मर चुका है, अब ऐसा हुआ कि एक ही बेटा था, ये स्त्री सोची होगी चलो मेरा पति मर गया, कम से कम मेरा इकलौता बेटा तो है जो मेरा सहारा बनेगा। लेकिन बाइबल बताती है उस स्त्री का बेटा भी मर गया, इकलौता बेटा भी मर गया। क्या हाल हुआ होगा इस माँ का, कि एक तो पति मर गया और ऊपर से बेटा भी मर गया, क्या स्थिति होगा? लिखा है प्रभु तरस खाया। मेरे प्रिय, हमारा सिचुएशन अगर अच्छा नहीं रहेगा, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हम पर तरस खाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तरस नहीं खाएगा, वो तरस खाएगा आपकी प्रार्थना के लिए। आपके परिवार की स्थिति को देखकर, आपकी स्थिति को देखकर प्रभु तरस खाएगा। और लिखा है यहां पर तरस खाया और बोलता है, उससे कहा मत रो, मत रो। यीशु मसीह आज हमें रोते हुए नहीं देख सकता है, वो खुद भी रोता है मेरे प्रियो, हमारा आपके लिए, वो खुद भी मेरे प्रियो, क्योंकि हमने हम जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना दुख उठाया, कितना दुख सहा, ताकि हमें शांति पहुंच सके। लेकिन उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, एक एक कोड़ा हम और आपको चंगाई दिया है मेरे प्रियो। हमारे लिए यीशु मसीह दुख सहा ताकि हम ऐसे रोए ना, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है। बाइबल बताती है वो हमारे आंसुओं के एक एक हिसाब को अपने कुप्पी पर रखता है। इस स्त्री को देखा और वो यीशु मसीह बोलता मत रो, मत रो। 14 पद में लिखा, तब उसने उसके पास अर्थी को छुआ और तार उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, लिखा है वो मुर्दा जो लोग उसको उठाकर दफनाने ले जा रहे थे, ऐसे दफन क्रिया में उठाकर लोग जब घर से बाहर लेके उसको ऐसे समय में देखिए क्या हुआ, जब इनको उठाकर ले जाया जा रहा है तो लिखता है कि यीशु मसीह उनको रोका और रोकर अर्थी को छुआ और बोलता है, तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, हे जवान मैं तुमसे कहता हूं उठ। और लिखा है
तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, हालेलुया। वो जवान बेटा जो मर गया था वो जिंदा होकर बोलने लगा, हालेलुया। देखिए कैसा कार्य प्रभु किया। मेरे प्रियो, हम और आपकी परिस्थिति को प्रभु सुधारेगा, हम और आपके परिवार को प्रभु सुधारेगा। कोई मनुष्य हमारे परिवार की स्थिति को नहीं बदल सकता है, कोई मनुष्य हम और आपकी सहायता मदद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु करेगा। ये स्त्री को कोई सुनने वाला नहीं था, ऑलरेडी उसका पति मर चुका था, और उसके बाद में उसका बेटा भी मर गया, कौन अब उसका सहारा बनेगा? लेकिन देखिए प्रभु उसका सहारा बन गया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चिंता मत करिए, आपसे कोई बात करे या ना करे, आपको लोग पूछे या ना पूछे, कोई बात नहीं, प्रभु याद रखिए, प्रभु हमेशा हमें पूछेगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु का सहारा ले जीवन के अंदर में। स्त्री का स्थिति ऐसा खराब हो चुका था, क्या करती है? अगर उसका बेटा ठीक नहीं होता, नहीं जिंदा होता, क्या होता इस स्त्री का? अकेले घूंट घूंट कर ये जीती, इसका जीवन एक तरह का मुर्दा सा जीवन हो जाता। लेकिन देखिए प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हर एक के आंसुओं को पूछता है, उस स्त्री के रोना को, उस विधवा स्त्री के रोने को देखकर प्रभु को तरस आया, लिखा है। मेरे प्रिय, हम रोएंगे हमारे आंसू को देखकर प्रभु हम पर तरस खाएगा, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। इसलिए याद रखिए, आपकी परिस्थिति को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह बदल सकता है, और कोई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति आए, यीशु मसीह शांति देगा। जैसे उस लकवे मारे व्यक्ति जो अशांति का जीवन जी रहा था, कई दिनों से उस खाट पर पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह के पास जाने के कारण से वो ठीक हो गया, वो चंगा हो गया। और ये जवान को देखिए जो मर गया था, यीशु मसीह से इसका मुलाकात हो गया, जिसके कारण से ये जवान मुर्दों में से भी जी उठा, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और आपके जीवन में भी ऐसा कार्य प्रभु करेगा, आज भी वो करता है और करेगा। क्या आप तैयार है ऐसे कार्यों को देखने के लिए? कभी भी हार ना माने, जीवन के अंदर में निरंतर प्रार्थना करते चले जाइए। आपको लगेगा कि मेरी प्रार्थना को कोई सुनने वाला नहीं है, ये शैतान कई बार आपके मन को डालेगा, मन में डालेगा कि तुम प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ जा रहा है। मेरे प्रियो, मत घबराइए, आप करते जाइए करते जाइए, एक दिन शैतान हारेगा, हमारा आपको प्रभु विजय बनाएगा। शैतान हारेगा क्योंकि वो हारा हुआ है, और प्रभु इतना हमारा आपको अधिकार दिया है कि हम विजय हासिल कर पाए। क्या प्रभु की सामर्थ के लिए तैयार है? आज जो वचन को हमने देखा मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में रखें। जब मैं थोड़ी देर पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं यही स्मरण कर रहा था कि जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी वो स्थान शांत नहीं रहेगा, वहाँ भगदड़ मचेगा। आपके परिवार में जब प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, आपका परिवार हिल जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा हिलेगा कि आपके परिवार में शांति उत्पन्न होगी, आपके परिवार में परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी, आपका परिवार का जीवन बदल जाएगा। आप जैसा अपने परिवार को देखना चाह रहे हैं, आप उससे कई गुना बढ़कर अपने परिवार को सुधरते हुए देखेंगे, हालेलुया। कई लोग आज परेशान हैं, आप अपने परिवार के कारण से, आप अपने पड़ोसियों के कारण से, अपने लोगों के कारण से, कि कई लोग हमें धोखा देते हैं, कई लोग हमारी बातों को नहीं मानते, कई बार हम परेशान होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन चिंता मत करिए, एक बार प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में ले लीजिए, एक बार उस भाई के लिए प्रार्थना करिए जो आपको ऐसा कर रहा है, उस बहन के लिए प्रार्थना करिए, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जिस दिन उसके परिवार में, उसके घर में, आपके घर में प्रभु की उपस्थिति प्रार्थना के द्वारा आ जाएगी, उनका जीवन बदल जाएगा, हालेलुया। हमारा आप जानते हैं, पौलुस और सिलास को देखिए, ये दो व्यक्ति जेल खाने में प्रार्थना कर रहा, भजन गा रहा है, प्रभु की उपस्थिति। बाइबल बताती, जैसे प्रभु की उपस्थिति उस जगह में आई, लिखा है बंदीगिरी हिल गया, बंदीगिरी की नींवें हिल गई, सबके बंधन टूट पड़े। मेरे प्रियो, जब प्रभु की उपस्थिति आएगी तो सारा बंधन टूटेगा, हमारा आपका बंधन टूटेगा। मेरे प्रियो, कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, कितने भी शैतानी ताकत हमारा आपके घर में काम क्यों ना करती हो, कितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति क्यों ना काम करती हो, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति आएगी सारा बंधन टूट जाएगा, हालेलुया, टूट जाएगा। पौलुस और सिलास प्रार्थना किए, क्या हुआ?
लिखा दरोगा का जीवन बदल गया। हालेलुया, जब प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी किसी ना किसी का जीवन जरूर बदलेगा। हालेलुया, वो कैदियों का भी जीवन मैं विश्वास करता हूँ बदल गया होगा। हालेलुया, क्योंकि उसकी वो सुन रहे थे और उसने भी देखा कैसा प्रभु कार्य करता है और उस दरोगा का जीवन भी बदल गया। हमने दरोगा के विषय हम जानते हैं कि कैसे उसका जीवन को प्रभु बदल दिया। जब प्रभु की उपस्थिति आएगी आप जिसके लिए भी प्रार्थना चाहते हैं उसका जीवन बदल जाएगा। प्रभु अपने सामर्थ्य को देगा। क्या आप तैयार हैं उस सामर्थ्य को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में लेने के लिए? तो सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु अपने सामर्थ्य को दे, प्रभु अपना ब्लेसिंग को दे। हालेलुया, आइए मेरे प्रियो अपनी आँखों को बंद करें और उस जीवित पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी आइए मेरे प्रियो, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। प्रभु मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दीजिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, प्रभु अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी सारे लोग मिलकर प्रार्थना करिए। हमने देखा प्रभु की उपस्थिति के कारण से वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति ठीक हो गया, वो चलने लगा, बोलने लगा। हालेलुया, वो हमने देखा कि वो मुर्दा जवान जो मर गया था वो भी प्रभु की उपस्थिति के कारण से जिंदा होकर वो उठ के बोलने लगा। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा कार्य प्रभु हमारे जीवन में भी करेगा। पौलुस और सिलास जब प्रार्थना किए, प्रभु की उपस्थिति जब आई, दरोगा का जीवन बदल गया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज दरकार है कि हम प्रभु की उपस्थिति को ले लें। आइए प्रभु की उपस्थिति को मांगे अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक कोई प्रार्थना करिए जहाँ से भी मुझे आप लाइव देख रहे हैं। आइए थोड़े क्षण प्रभु की उपस्थिति से भर जाए। आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। रिखा बा 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 ला ला बा। और जितने लोग प्रार्थना चाहते हैं आप जरूर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इस घड़ी लिख सकते हैं। हालेलुया, अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप जरूर आप प्रे फॉर मी लिख सकते हैं ताकि मैं आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जितने लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता हर एक को ब्लेस करना, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर देना, हर एक के जीवन में प्रभु अपने अभिषेक को, आत्मा का अभिषेक को धरने देना मेरे पिता परमेश्वर। रिखा बा राखा शांत खो रोमो साबा निंदा रिबा रबांदो रोबो। पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं एक एक को छूले, एक एक को छूले पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक कोई आइए मेरे प्रियो मांगिए कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे बच्चों के जीवन में आए, मेरे माता पिता के जीवन में आए, मेरे हस्बैंड के जीवन में आए, मेरे वाइफ के जीवन में आए। आइए प्रार्थना करिए और जब प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में आ जाएगी उनका जीवन साधारण नहीं रहेगा परंतु उसका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। रिखा बा राबा शांतो को रोबो रोबो। ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसी घड़ी हर एक की प्रार्थना को सुन ले, हर एक को ब्लेस कर दे, हर एक को अपने सामर्थ्य से यीशु मसीह के नाम से भर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया,